जो मेरी बाइक है उसके पीछे का कैरियर का पेस टूट गया है और अभी मुझे वेल्डिंग करानी पड़ेगी। नहीं ले रही भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, धक्का मारना पड़ेगा। तो भाई साहब मतलब ये देखो नहा के भी निकले हैं और देखो यहाँ पे जब नदीम भाई भी रात का खाना खा रहे हैं, मतलब बचा हुआ छोड़े कुछ नहीं जाएंगे, ऐसा खर्च करा। जो मजा इसमें है ना खाने में, रात को खाने का कुछ नहीं है। अभी ये बात की बात है, बस भूख लग रही है, रात खाया नहीं होगा ना ढंग से। और इधर देखो अनिल भाई, एक बार दिखा दो भाई साहब, दिखा दो भाई साहब मेरी जान। और इधर देखो बड्डे बॉय, बड्डे बॉय आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जीएस राइडर में। तो मेरा नाम सौरभ गोस्वामी। तो भाई आप लोग जितनी लास्ट की राइडिंग है ना, सारा एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको। तो भाई साहब लद्दाख की रीले जितनी अच्छी लगती है ना, उससे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है पीछे, आपको इतनी इतना बैग, इतना वजन उठा के चलना पड़ता है। अरे ग्लव्स गिर गए, अरे ग्लव्स। तो बताओ लद्दाख का कैसा लगा नहीं भाई? भाई ठीक था, बस पीछे बैठ के मत आना भाई। मतलब कहने का है कि सोलो आओ, बस प्लेन मत आओ। जो मेरी बाइक है उसके पीछे का कैरियर का पेस टूट गया है और अभी मुझे वेल्डिंग करानी पड़ेगी। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है, कल ही गई वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है इसका पानी का दिक्कत आ गया बैटरी में। तो यहाँ ये देखो, ये टूट गया नीचे, ये बैठा ही दिया तुमने तो पूरा। तो भाई अभी धक्का मारना स्टार्ट हो गया रही है। नहीं ले रही भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, धक्का मारना पड़ेगा। क्या हो गया? बड़ा वाला बैग है ना इसका? हाँ बड़ा वाला बैग, वो टांग के बैठ जाएगा थोड़ा सा, सबको इससे बाकी बैठ जाएगा। तो आने वाला बैग बीच में रख लेगा, एक और बैग बीच में आ जाएगा। तुम कर लो, देख लो है ना। हाँ इनको साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ पड़े रहेंगे, फिर वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, आ जा लेके आना, जो सामान लेके पहले सारा सामान ले लेते, फिर चलते साथ लेके। अबे हाँ निकाल दिया मैंने, थोड़ी निकाला भाई ने, निकाल दिया भाई ने, ताकत दिखाई उस पर। पूरे सेब लगा खड़ा है भाई पेड़ पे, भाई साहब मतलब पूरे पेड़ पे कितना सेब आता होगा यार। यहाँ तो सेब का रेट बहुत कम है, इधर 40-50 रुपये किलो सेब है, अपने आ जाओगे 100 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा भाई सेब। भैया वेल्डिंग हो जाएगी? कितना दूर है भैया? पीछे स्टार्ट भी भैया, शायद बैटरी में पानी चला गया है, शायद इसकी बैटरी में, इसकी बैटरी में ना शायद पानी चला गया। पानी चला गया? हाँ वो कर देगा ठीक। नीचे जाओ ना। हाँ नीचे जाना, आर के मोटर आएगा नीचे। हम पे आ गए, नहीं पता यहाँ के बारे में। आर के मोटर भैया नहीं पता, दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से ना वहाँ जाने जाना। बिल्डिंग वाला मिल जाएगा पीछे? बिल्डिंग वाला इधर मिल जाएगा ऊपर। मतलब कितना दूर होगा? 500-600 मीटर यहाँ पे करा ली बिल्डिंग इधर। और सीट देखो ये हो रखी है। तो भाई साहब मतलब दिल्ली तक ऐसी पहुंचानी है भाई। तो ये जो आज की जो राइड होने वाली थी, मैं कितने की है प्लान, क्या इसका आज प्लान? तो ये है कि दिल्ली लगा दें, बट मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ तो क्रॉस हो ही जाएगा। लेट्स सी कहां तक खींचते हैं गाड़ियां। चंडीगढ़ यहां से 250 फुट किले से कितना? यहां से 300 किलोमीटर यहां से 300 किलोमीटर है। 260 टाइम भी 12 बज रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली। मतलब यही है कि आज चंडीगढ़ से तो पार ही हो जाए, कोशिश पूरी दिल्ली की रहेगी। तीसर बना लेंगे बाइक का, तो हो जाएगी एकदम शादी हो जाएगी। योद्धा बस ये ना चलना चाहिए, ये ना टूटने चाहिए। तो भैया रे फाइनली बाय बाय मनाली। तो भाई साहब मनाली को क्रॉस अभी इधर से कर जाएंगे और सीधा हम जाएंगे मंडी होते हुए आपका चंडीगढ़। अब बीच में देखते हैं क्या कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी हमने हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में उन्होंने खाया हमने क्या क्या खाया, वही मिलता है यार, पराठे मिलते हैं भाई पहाड़ों में, पराठे और आपका मैगी, मैगी मिलती है बाबा। तो भाई मैगी खा के पक गया यार, मतलब बहुत ज़्यादा मैगी हो गई। तो अभी तुम्हारे भाई का टैंक है आधे से भी कम, तो भाई साहब चली जाएगी अभी 40 किलोमीटर और। साहब आपका अगर नेशनल हाईवे का टोल, तो भाई साहब टोल कौन देगा? टोल देंगे छोटे आदमी, हम जाएंगे बिना टोल के, क्योंकि हमें बाइक पे और बाइक का कहीं भी टोल आपका नहीं लगता है। वाँ।
वगैरह फिर से वहाँ लौटाए जहाँ पे पेट्रोल का रेट 97 है। तो भाई साहब बहुत हो गया 104 105 भराते भराते। इस रोड पे ना लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा क्यों ये मुझे नहीं पता। बारिश तो भी खत्म हो गई लेकिन देखो उधर भी आगे लोग खड़े हैं, इधर भी लोग खड़े हैं। तो भाई साहब ये के बीच में रोड बंद कर रहे हैं क्या? भाई साहब मतलब हिम्मत बंदे की, ये लोग उर्मिंगला तो ये लोग झंस्कार तक करके आए। तो भाई हम झंस्कार नहीं कर, झंस्कार लद्दाख का एक पार्ट है और भाई बहुत खूबसूरत। भाई बाइक को ना पिछले दो बार से मैंने स्टार्ट करा धक्का मार के, मैं नदी में धक्का मार रहे हैं, मतलब गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्रो लेवल वाली। बस ये धक्का मार दो चल जाती, स्टार्ट हो जाती, फिर अगर कहीं खड़ी कर दो तो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखा है हमने सर्विस सेंटर, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर, और अभी हम लोग हैं मंडी में। भैया गाड़ी की दिक्कत यह है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी, सर्विस नहीं है दिल्ली से गाड़ी। कैमरा हाँ, वो तो ब्लॉगिंग करते हैं ना, ब्लॉगर है मेरा भाई बड़ा, बना के रखते पूरा। क्या दिक्कत होगी? अभी ये स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी, अभी इसको धक्का मार के स्टार्ट करा है। हाँ तो भाई साहब का जो मैग्नेटिक ऑयल था और एक प्लेट पड़ी थी इसके अंदर, वो पूरी चेंज हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। तो इसका जो छोटा सा चार्ज लगा 247 रुपीज़ का भाई, मतलब अभी टेंशन फ्री हो गया। तो देखो मतलब अभी पहली चीज स्टार्ट हो रही है, पहली चीज स्टार्ट हो रही है। तो भाई साहब जो हमने धक्के मारे हैं, और धक्के मारे राशिद भाई ने और नदीम भाई ने, अब देख लो अभी भी लग रहे हैं गाड़ी में। तो भाई साहब मतलब मज़ा आ गया यार, मतलब एडवेंचर अगर इस ऐसे एंड होगा ना तो भाई पूरा प्रो लेवल। हम आए थे यहाँ पे 3:30 बजे और अब बाइक मिल रही है हमें 6:30 बजे, और अभी कहें हम चंडीगढ़ से भी 200 किलोमीटर पीछे। तो भाई मेरे देख लो मतलब कब चंडीगढ़ पहुँचेंगे और कब आपका दिल्ली पहुँचेंगे। कल रात हम लोग आए और इन भैया के पास, भैया एक और नाम बता दो अपना। योगेश। योगेश भैया, तो ये जो है नदीम भैया के दोस्त हैं। मेरा जिगरी यार है पुलिस का। हाँ तो और भाई साहब रात को जो आके 12:30 बजे कुछ आए थे, और भाई साहब जिन्होंने आके मैगी बना के खिलाई इन लोगों को यार, मतलब गजब। और क्या क्या खाया था तुमने? पास्ता मैगी। तो भैया को तो वो ही बनाना आता था मुझे लग रहा है, भैया वो याद था? बहुत कुछ है बस तो भैया ने दिया गिफ्ट, कल है भैया के भतीजे का बर्थडे। तो भैया नाम क्या उसका? पार्थ। पार्थ, तो भैया हमारी साइड भी हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू यार।